बापू लगता है तुम्हारा कोई बिछड़ा हुआ दोस्त आया है। प्रभु आपके दर्शन हो गए। मैं इंडियन जेम्स बॉन्ड बनना चाहता हूँ क्योंकि इंटरनेशनल जेम्स बॉन्ड तो आप हैं। अबे कुत्ते को दूर रख। नहीं मैं हूँ। मुझे बता देना कि मैं तुझसे भी वफादार हूँ। चलो मिलकर इन्हें इंटरनेशनल लैंग्वेज में समझाते हैं। अरे शोर कैसा, कौन ऐसे कुत्ते की तरह भौंक रहा है? मेरी इतनी तारीफ। तेरे को बुलाना खड़ा हो गया। अपुन का असिस्टेंट बनने के लिए तू आया है? ठीक समझा आपने बॉस। मैं आपके लिए घोड़ा कुत्ता बैल सब कुछ बनके दिखाऊंगा ताकि आपको किसी असिस्टेंट की जरूरत ना पड़े। आई विल बी इंडियन बॉर्न और सबके हक्के बक्के और छक्के छुड़ा दूंगा। अब खड़ा क्या है, भगा इसे। भगा वरना मैं भगा रहा हूं। ये साला उल्लू का पट्टा अपने गले की घंटी बन जाएगा। चल निकल। अरे बॉस इनके सामने तो मेरी इज्जत मत उतारो। चलो बाहर चलते। शायद बॉस आपने मेरे टैलेंट को नहीं पहचाना। मैंने इस कुत्ते कोई खास ट्रेनिंग दी है। पूरे 3 साल में मैंने इसे बॉल पकड़ना सिखाया है। ऐसा बॉल कोई नहीं पकड़ सकता। ये देखिए ना मूना हाजिर है। ले कुत्ते पकड़। वाओ 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 एंड ही हैज कॉट द बॉल। वेरी गुड शाबाश। देखा बॉस, ऐसा बॉल लाने की ट्रेनिंग कोई भी कुत्ते को कोई भी माई कलाल कुत्ता नहीं दे सकता। बॉल लाने की ट्रेनिंग में तूने 3 साल गवा दिए। इससे तो अच्छा तो खुद कुत्ता बन जाता। अरे ये तलवार का क्यों निकाल? इससे पहले मैं जहाँ काम करता था उसकी मुझसे भी बड़ी थी। उसी ने इसी तलवार से काट के उसे छोटी कर दी। मेरे पहले बॉस बिल लाने में मुझे कुकरी दी और उन्होंने ही मेरे काम से खुश होकर मुझे ये लड्डू भी दिया। ये क्या है? बम। इसको एक झटके में खोलोगे और ये बम का गोला फटके सबका डब्बा गोल कर देगा। अच्छा इसको निकालो। क्या कर दिया? अरे मैं अभी तो फेंक देना, अपन फटेंगे। क्या हुआ? दरवाजे पर कोई है? भाई साहब ये लिफाफा कैसा है? आपका ट्रांसफर हो रहा है क्या? हाँ, प्रोटेक्शन ड्यूटी। श्रीनगर के राम कुमार वर्मा की जिंदगी को खतरा है, इसलिए मुझे श्रीनगर जाना ही होगा। क्या कहा? उनकी जिंदगी को खतरा है? सच्ची? मैं उसे जैसे ही ये बात बताऊंगा वो प्रोटेक्शन लेने से इनकार कर देगा तो गवर्नमेंट उसकी बात मान लेगी और मुसीबत मेरे सर से उतर जाएगी। कैसी बात कर रहे हो? कैसे पुलिस वाले हो तुम? दूसरों की जान बचाना तुम्हारा फर्ज है और तुम कल्टी मार रहे हो। लाओ ये ऑर्डर अपन को दो, अपन जाके देखते हैं। ये तुम जैसे टपोरियों का काम नहीं है, पुलिस वालों का काम है। तुम्हारी गवर्नमेंट का ऑर्डर क्या है? उनको बचाने का ना, तो तुम उधर मत जाओ, अपन जाके सब संभाल लेगा। हे, तू वहाँ जाने की बात कर रहा है, पहले अपनी भाषा तो सुधार। भाषा? आज अपन और माँ जिंदा है तो सिर्फ उनकी वजह से। अब उनकी जान को जब खतरा है तो अपन घर में चूड़ी पहन के चुपचाप नहीं बैठ सकता। ने वो लेटर उसे क्यों दे दिया? अगर उसे शक हुआ उसने पढ़ लिया तो? वो जिस पर भरोसा करता है उस पर शक बिल्कुल नहीं करता है। यही तो खासियत है हमारे भूमि की। बोलो बोलो टिकट बोलो। आराम से बैठो। ओ चुप हो जा। मैं गोद में बैठा लूंगी, चिंता मत करो। अरे आओ ना, गोद में बैठा लूंगी। अरे क्या सोच रहे हैं, इधर आइए। Don't hit me!
से मालूम भाई कौन है? बिन लादेन जैसा मेरा मूंछ है और उससे भी लंबा छिपा हुआ मेरा पूंछ है। मैं पुलिस कमिश्नर के साथ किसी मूंछ वाले को प्रोटेक्शन देने जा रहा हूँ। मैं अकेला दिखता हूँ लेकिन अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये पुलिस कमिश्नर है, देखो आपका सर पकड़ेगा। अरे किसे प्रोटेक्शन देने जा रहे हो? कुमार वर्मा है जिससे सब लोग डरते हैं, तुम भी मैं भी इसका बाप भी। सोचो अगर वो उसकी हिफाजत करने जा रहा है तो ये खुद कितना स्ट्रांग होगा। मैं तुम सब पे आज तक कल तक परसों तक केस करूंगा। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था आप कौन हैं, नहीं तो मैं आपकी टिकट नहीं काटता। चल चल। चलो सर आइए। अगर आइंदा से अपने को फॉलो किया ना तो मलिका मीरा को देखा क्या? हाँ ऊपर है। मीरा मीरा। हाँ कहाँ है तू? मीरा तेरे घर पे बॉडीगार्ड आया है। बॉडीगार्ड किसने? तेरे पापा की जिंदगी खतरों से घिरी है ना, इसीलिए वो बॉडीगार्ड उनकी हिफाजत के लिए आया है। कैसी बेवकूफी की बात कर रही है? बेवकूफी की? ये मेरे पापा ने बताया। जो सब नींद में चलते हैं और बड़ी बड़ी हांकते हैं। यही है राज सम्राट पैलेस, अंदर आइए। श्री राम कुमार वर्मा बचपन से ही यहीं खेले पढ़े और बड़े हुए। इस वक्त वो यहाँ नहीं है, दुबई शिकार पर गए, शाम की फ्लाइट से वापस आने वाले हैं। तब तक मैं यहीं पर कराटे। चाचा जी अलार्म बज गया क्या? ये है उनकी धर्म पत्नी देविका मैडम। प्रणाम। और इन्हें मालिक की हिफाजत के लिए सरकार ने भेजा है, इनका नाम है मोहन राज। जी नहीं, भूमिनाथ। नहीं मैं चंद्रकांत। नहीं मैं इनका जाबाज मैनेजर। मेरी इजाजत के बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता खराटे। बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है जब उनका कोई दुश्मन ही नहीं है? किस बात की प्रोटेक्शन दी जा रही है चंद्रकांत? क्या हुआ, अलार्म बज गया क्या? क्या उनका कोई दुश्मन भी है बॉडीगार्ड? वैसे खतरा सिर्फ शत्रुओं से नहीं बल्कि अपनों से भी तो हो सकता है ना। घर देख लो, ये घर का सबसे महंगा हॉल। ये वो बॉडीगार्ड? हाँ बेटी। कौन बेटी? मालिक की बेटी मीरा। मीरा ये तो मुझे मीरा समझ रहा है, तो समझने दी। अरे चाचा जी बड़ी जल्दी अलार्म बज गया, आ जाओ। अंदर आ जाओ, अंदर। ये है आंगन। ये बताओ बॉडीगार्ड ऐसा होता है क्या? ये तो घर ऐसे देख रहा है जैसे ऐसे खरीदने वाला हो। ये क्या कर रहे हो? जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ एक मक्खी तो क्या एक लाल वाली चींटी भी नहीं घुस सकती। अच्छा तुम्हारा कमरा ऊपर है, खराटे मारने के। चाचा जी कौन है? कौन है? अलार्म कौन बजा कर गया है? कौन है? हेलो, तुम मेरा चेहरा क्यों देख रहे हो? इस वक्त आपके चेहरे पर एक बजा है ना, इसलिए। वाह! तुम्हारे हाथ में तीर? ये कहां से उड़कर आया? अब ये कहां से निकला? बॉडीगार्ड तो होता है बहुत वीर, इसने निकाला है मेरा तीर। हैं? काफी स्मार्ट है ये। अच्छा तो मैं मालिक से मिलने हवाई अड्डे जाता हूँ। हाँ जाओ खराटे मार के। की फैक्ट्री में काम करते हैं। तो तुम फैक्ट्री की बजाय यहाँ क्या कर रही हो? हम तो बस तुम्हें देखने के लिए आए थे। मैं क्या सर्कस का जोकर हूँ? नहीं, हमने कभी सचमुच का बॉडीगार्ड नहीं देखा ना, तो सोचा। मेरी खिंचाई कर रही हो? सुबह से कोई नहीं मिला। अच्छा मीरा जी, आप इस कंपाउंड के अंदर फालतू लोगों को आने मत दीजिए, खासकर काम के वक्त। अरे हमारी मर्जी, तुम कौन होते हो? तुम क्यों बीच में बोल रही हो? ये यूनियन लीडर है क्या? मेरे साथ अगर चू चपड़ की ना तो सीधा ठोक दूंगा। लग गई, इनकाउंटर 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 का इनकाउंटर। ये यहाँ क्या कर रहा है? पीला पीला पहनकर इसने मुझे देख तो नहीं लिया? लगता मैं इंडियन जेल बॉर्ड नहीं बन पाऊंगा। कहाँ गया? यस
इधर क्या कर रहे है तू? आपकी सेवा के लिए तो आया हूँ। मिस्टर राम अपने बेटे के साथ प्लेन से आ रहे हैं और हमें उनकी हिफाजत करनी है। अच्छा एक बात बता, बरसात तो नहीं हो रही है? ये बरसाती मेंढक जैसे क्यों घूम रहा है? बरसाती मेंढक नहीं बॉस, ये मेरे दिमाग की खोज है। जेम्स बॉन्ड से भी एडवांस, ये मैग्नेटिक ड्रेस है। क्या बोला, मैग्नेटिक ड्रेस? यस सर, इसकी खूबियां सुनकर आप मैड हो जाएंगे। इस ड्रेस से आकर सारे लोहे की चीजें चिपक जाएंगी, इससे आप और मैं मिस्टर राम कुमार वर्मा को बचा लेंगे। ये तो होना ही था। मुंबई से बैंगलोर जाने वाली फ्लाइट नंबर 6815A उड़ान भरने के लिए तैयार है। बोलिए सर, राम कुमार वर्मा आ गया है, मार दो उसे। ठीक है सर। मालिक, इसलिए मुझे धक्का लग गया। आओ चलो।